हेलो एवरीवन वेलकम टू वी साइंस एकेडमी सो टूडे वेर गोइंग टू स्टडी दी आई पी नॉमन क्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दट इज अल्किन एंड अलकाइन ओके सो अल्किन क्या होता है डैट इज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को हम अल्किन बोलते हैं वेर एस अलकाइन इज़ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओके अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में सो so वो क्या रहता है डैट इज़ अल्काइन ओके तो जब हम नॉमन क्लेचर करते हैं तो कुछ रूल हमको ध्यान में रखना पड़ता है ओके okay. सबसे पहला रूल क्या होता है वी हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ठीक है सबसे पहले हमें कार्बन आइटम की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती लंबी चेन जो रहेगी वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हम आई यू पी एस से नामिक्लेचर कर रहे हैं अल्किन और अल्काइन का तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए अगर अल्काइन का कर रहे हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है देन सेकेंड रूल क्या होता है हमको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से मेरे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले ओके देन नेक्स्ट थर्ड रूल देखिए यहाँ पे क्या है सबसे पहले जब हम लिखते हैं नॉर्मन क्लेचर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे ठीक है देन रूट वर्ड लिखेंगे देन सफिक्स प्रीफिक्स मतलब क्या होता है अगर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है डेट इज़ सब्सिटेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड तो सबसे पहले हम उस सबस्टिटेंट को लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स मतलब पहले ठीक है देन रूटवर्ड रूटवर क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम फाइव है तो रूटवर क्या लिखोगे पेंट अगर सिक्स है तो रूटवर्ड क्या रहेगा हेक्स ओके देन आता है सफिक्स सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मतलब कि वो आपका अल्किन है या अलकाइन है ठीक है अगर वो कंपाउंड अल्कीन है तो आप सफिक्स क्या लगाओगे ई एन ई अगर वो अल्काइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस कंपाउंड में तो सफिक्स क्या लगाओगे दैट इज़ वाई एन ई ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ई एन ई ओके एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आएगा वाई एन ई ओके देन नेक्स्ट अगर देखिए अगर आपके कंपाउंड में सब्सिटेंट प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो आप क्या करोगे सबसे पहले रूट वर्ड लिखोगे देन सफिक्स लगाओगे ओके okay? सो so, हम स्टार्ट करते हैं ओके सो सी द फर्स्ट एग्जांपल ओके सो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए इस कंपाउंड में आपको दिया है देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो क्या रहता है इट इज़ अ अल्किम ओके सो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है जहाँ से मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले ठीक है थीके? तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है डेट इज़ डबल बॉन्ड तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे टूअर्ट दी राइट एंड साइड डेट इज़ दिस इज़ वन दिस इज़ टू थ्री फोर एंड दिस इज फाइव ओके अभी यहाँ पर कोई भी सब्सिटेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सब्सिटेंट प्रेजेंट नहीं है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रूट वर्ड ठीक है तो फाइव कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लिखेंगे हम पेंट पी ई एन टी पेंट ओके अभी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है तो पोजीशन मेंशन करेंगे डैट इज़ वन ओके और डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं डैट इज ई एन ई ठीक है तो यहाँ पर हम लगा देंगे ई एन ई ओके नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ओके सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम नंबरिंग करेंगे टुवर्ड द राइट हैंड साइड अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगी तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा ओके सो दिस इज़ टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती लेफ्ट हैंड साइड से तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर नहीं मिलता देखिए वन टू थ्री फोर ओके ये फोर्थ पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड आता है अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर रही हूँ तो मुझे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है ठीक है इसके लिए मैं नंबरिंग कहा की टूअर्ड दी राइट हैंड साइड से की मैंने नंबरिंग ओके यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी सबस्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है ठीक तो है Six. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सिक्स तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे रूट वर्ड वैट इज़ हैक्स ओके हैक्स अभी यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सेकेंड पोजिशन मैंशन करेंगे टू ओके डबल बॉन्ड के सफिक्स क्या लगाते हैं इन ई एन ई ओके हेक्स टू ई एन ई नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल ओके तो थर्ड एग्जाम्पल में देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी रहेगी हमारी कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड सो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव कार्बन की चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ओके तो हम सिलेक्ट करेंगे इसे एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके ये रहेगा हमारा पेरेंट चेन ओके लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है ये देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप प्रेजेंट है डैट इज़ सब्सिटेंट प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है अगर यहाँ पे सब्सिटेंट प्रेजेंट है तो लिखते हुए सबसे पहले हम प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे सब्सिटवेंट देन लिखेंगे रूट वर्ड देन सफिक्स में लगाएंगे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या आ जाएगा ई एन ई ओके सो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं हम तो so, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से डैट इज टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड तो ही मेरे डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा सो दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री फोर एंड दिस इज़ फाइ कार्बन ओके नेक्स्ट फोर्थ पोजिशन पर क्या प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सबसे पहले हम प्रीफिक्स में सबस्टेंट को लिखेंगे डैट इज़ फोर देन सी एस थ्री इज मिथाइल सो फोर मिथाइल नेक्स्ट रूटवर्ड लिखते हैं पे longest है? तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट हमें कितने कार्बन हैं फाइव तो रूटवर्ड क्या आएगा पैंट ओके दैन नेक्स्ट सेकेंड पोजिशन पर डबल बॉन्डे तो हम पोजिशन मैंशन करेंगे टू डबल बॉन्ड के सफिक्स सफिक्सा लगाते हैं ई एन ई नाउ सी द फोर्थ एग्जाम्पल ओके सो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन कौन सी है कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड ओके सो ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कार्बन की चेन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट चैन ओके ये रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड ठीक है देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप मतलब एक सब्सेंट प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक सब्सेंट प्रेजेंट है ठीक है देन नेक्स्ट नंबरिंग देना है हमको तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से मेरा डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले ठीक है देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से सो दिस इज़ वन दिस इज़ टू थ्री थर्ड पोजिशन पर डबल बॉन्ड है अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ सो वन टू थ्री थर्ड पोजिशन पर डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें हमने क्या देखा लेफ्ट लेफ्ट uh, से भी थर्ड पोजीशन ही आ रहा है और राइट हैंड साइड से ही थर्ड पोजीशन आ रहा है मतलब दोनों सेम आ रहे हैं सेम पोजीशन आ रही है ठीक है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे हम सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे ठीक है मतलब हम सब्सियट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्शियंट कहाँ पर है अगर मैं इसको नंबरिंग दूंगी वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री दिस इज़ फोर कार्बन फाइव कार्बन सिक्स कार्बन ठीक है तो यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन पे एक सब्सियट प्रेजेंट है और फोर्थ पोजीशन पे एक सब्सियट प्रेजेंट है मतलब टू एंड फोर ठीक है वेयर आर इज अगर मैं नंबरिंग राइट हैंड साइड से देती हूँ तो ये रहेगा वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री ठीक है ये रहेगा थ्री मतलब थ्री पे एक सब्शन प्रेजेंट है ओके देन फोर फाइव फाइव पे दूसरा सब्शन प्रेजेंट है सर so, दोनों में से लोवेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है टू एंड फोर मतलब नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम टूअर्ट द लेफ्ट हैंड साइड ओके मतलब अगर आपका जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बे चेन है उसमें अगर आप नंबरिंग करते हो तो लेफ्ट साइड से और राइट right साइड से नंबरिंग सेम आती है तो आप क्या करोगे जो भी सब्सटेंट प्रेजेंट रहेगा ठीक है उसको आप प्रायोरिटी दोगे ठीक है तो यहाँ पर हमने सब्सटेंट को देखा सेकेंड एंड फोर्थ पोजिशन पर क्या है लोवस्ट पॉसिबल नंबर ठीक है नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर सब्सटेंट सबसे पहले हम सबस्टेंट को लिखेंगे तो सेकंड और फोर्थ पे क्या प्रेजेंट है हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है तो हम मेंशन करेंगे पोजीशन डैट इज टू एंड तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कॉमा फोर ओके यहाँ पर टू टाइम्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे डाई मिथाइल ठीक है दिस इज डाई मिथाइल देन यहाँ पर रूटवर्ड क्या रहेगा नंबर ऑफ कार्बन क्या है सिक्स तो रूट रूटवर्ड आएगा यहाँ पर हैग्स ओके थर्ड पोजिशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सो थ्री डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन ओके फिफ्थ एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में देखिए आपके आपको दो डबल बॉन्ड दिखेगा एक यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है तो हम नंबरिंग दे देते हैं डैट इज दिस इज वन दिस इज टू थ्री फोर एंड फाइव ओके मैंने नंबरिंग राइट हैंड साइड से क्यों दी बिकॉज अब मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड थर्ड पोजीशन पे दूसरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वेर एस अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करती तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ वन दिस इज़ टू मतलब एक सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा मैं नंबरिंग दे देती हूँ दिस इज थ्री फोर एंड फाइव सेकेंड पोजिशन पे एक डबल वन प्रेजेंट है और दूसरा फोर्थ पोजिशन पे प्रेजेंट है ठीक है तो लोवेस्ट नंबरिंग कौन सी दिख रही है वन एंड थ्री मतलब मैंने नंबरिंग कहाँ से की टूअर्ट दी राइट एंड साइड ओके तो ही मुझे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी सप्शन प्रेजेंट नहीं है ठीक है सबसे पहले हम रूटवर्ट लिखेंगे तो फाइव कार्बन है तो फाइव कार्बन के लिए रूटवर्ड क्या आएगा पेंट ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे डैट इज़ वन कॉमा थ्री ओके नेक्स्ट टू टाइम्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जब दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो हम यहाँ पर लगाएंगे डाइन दैट इज डी आई ई एन ई नाउ सी सिक्स्थ एग्जाम्पल ओके सो ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है जो क्योंकि okay, यहाँ पर कोई भी सॉप्शन प्रेजेंट नहीं है ओके okay? और इस कंपाउंड में देखिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है तो सबसे पहले तो हम नंबरिंग दे हैं नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले ठीक है थीके? तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो ही मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा तो मैं इसे दूँगी वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री कार्बन एंड दिस इज़ फोर्थ कार्बन ओके नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी सॉप्शन प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रूट वर्ड लिखते हैं देन सफिक्स ओके सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं फोर तो रूट वर्ड क्या रहेगा ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो पोजीशन मेंशन करेंगे वन ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या रहता है वाई एन ई सो वाई एन ई ओके नाउ सी द सेवन्थ एग्जांपल इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ वन टू थ्री ठीक है ये तो थ्री है अगर मैं यहाँ से ऊपर जाती हूँ डेट इज़ वन टू थ्री फोर तो ये रहेगी मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है हम इसे नहीं ले सकते अगर मैं ये वाला सिर्फ सलेक्ट करूँगी तो ये तीन ही कार्बन रहेगा अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करती हूँ ठीक है दिस सो यहाँ पर हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं वन टू थ्री फोर कार्बन मिल रहे हैं तो ये रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पैरेंट चेन हमारी ये वाली रहेगी ठीक है नेक्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं सो so यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स हम नंबरिंग यहाँ से देंगे दिस इज़ वन दिस इज़ टू दिस इज़ थर्ड कार्बन थर्ड कार्बन मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ कार्बन ओके नेक्स्ट अभी यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर क्या प्रेजेंट है ये थर्ड कार्बन है और यहाँ पर एक सब्सेंट प्रेजेंट है सबसे तो पहले हम सब्सेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ओके okay? तो थर्ड पोजिशन पर आपका मिथाइल रूप है तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ थ्री मिथाइल ओके थ्री मिथाइल देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस लॉन्गेस्ट चैन में फोर तो यहाँ पर रूटवर्ट क्या रहेगा ब्यूट ओके फर्स्ट पोजिशन पे ट्रिपल बॉन्ड है सो वन ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं वाई एन ई ओके और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपका ये वर्ड रहेगा ठीक है वर्ड और नंबर के बीच में क्या साइन रहेगा डैश का साइन रहेगा और जो भी नंबर नंबर रहेगा उसके बीच में कॉमा का साइन रहेगा ठीक है वर्ड और वर्ड के बीच में कोई भी साइन नहीं रखना है आपको नेक्स्ट एट एग्जांपल देखिए सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी रहेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स कार्बन की चेन है कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड ठीक है सो इसे हम सिलेक्ट करेंगे एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है वो कार्बन चेन को सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो ओके नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से करेंगे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ वन टू थ्री कार्बन फोर फाइव सिक्स ठीक है तो थर्ड पोजिशन पर क्या आ रहा है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ठीक है अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती वन टू थ्री तो भी थर्ड पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है हमारा थर्ड पोजिशन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो दोनों साइड से सेम पोजिशन मिल रही है तो हम सेकेंड प्रायोरिटी किसको देते हैं जो भी सब्सेंट प्रेजेंट रहता है ठीक है तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करूँगी तो सेकेंड पोजिशन पर क्या आ रहा है सी एस थ्री ग्रुप प्रेजेंट है अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी इसको वन लूँगी दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ पोजिशन पर सी एस थ्री ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा रहेगा सेकंड या फाइव सो तो सेकंड क्या है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इसके लिए मैंने नंबरिंग कहाँ से की टूअर्ट दी लेफ्ट हैंड साइड ठीक है देन नेमिंग कर लेते हैं सेकंड पोजीशन पे क्या है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सो so हम लिखेंगे टू मिथाइल टू मिथाइल ओके नेक्स्ट सबशेंट हमने लिख दिया नेक्स्ट रूटवर्ड लिखना है सो नंबर ऑफ कार्बन सिक्स है तो so रूटवर्ड क्या रहेगा हेग्स ओके थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है पोजिशन so, मैंशन करेंगे थ्री ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या रहता है वाई एन ई द नेक्स्ट एग्जाम्पल डेट इज नाइन्थ वन ओके सो दिस इज चेन ओके नंबरिंग कर लेते हैं यहां पर देखिए दो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एक यहां पर है और एक यहां पर है सो so, नंबरिंग दे देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके okay? मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगी तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी सॉप्शन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रूटवर्ट लिखेंगे तो सिक्स कार्बन है तो रूटवर्ट क्या रहेगा यहाँ पर हेग्ज ओके हेग्ज रूटवर्ट रहेगा देन नेक्स्ट फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे डैट इज वन कॉमा फोर ओके टू टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई ओके okay? मतलब दो बार ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो टू टाइम्स के लिए हमने लगाया डाई और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या रहेगा वाई एन ए तो ये हो जाएगा डाइन ओके नेक्स्ट सी द टेंथ एग्जाम्पल ओके इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है सो so, यहाँ पर देखिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड में तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को उसके बाद देंगे ट्रिपल बॉन्ड को ठीक है इसके लिए मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी डबल बॉन्ड से ओके okay? सो so, ये रहेगा वन दिस इज टू थ्री फोर एंड फाइव ओके देन नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं फाइव तो रूटबर क्या रहेगा फाइव के लिए पेंट देन नेक्स्ट फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड तो प्रायोरिटी सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को देनी है तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डबल बॉन्ड को डैट इज फर्स्ट पोजीशन पे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम ई एन ई सो यहाँ पर रहेगा ई एन ई ओके फोर्थ पोजिशन पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड सो फोर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं वाई एन ईके सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए